स्टेट अवस्था फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट टू का सेकंड टॉपिक सेकंड लेक्चर में आज हम जानेंगे हीट ऑफ फ्यूजन गलन की ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन उष्मापातन की ऊष्मा और आयरन थ्योरी ऑफ लिक्विड के बारे में जानेंगे। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? At a constant temperature, amount of heat absorbed by the solid to convert into liquid. ताप में परिवर्तन किए बिना जब कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा को अवशोषित कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो ये उसके लिए गलन की ऊष्मा कहलाती है। अगर amount of substance 1 mole है तब हम इस heat of fusion के लिए क्या टर्म देंगे? Molar heat of fusion, molar गलन ऊष्मा। इसे हम साइन एच एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एच एफ साइन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बिना ताप बढ़ाए 1 mole ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की मोलर गलन की ऊष्मा कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि उसके मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड में बदलता है, गलनांक पर ठोस पदार्थ संगत द्रव में बदलता है और हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट पर वो लिक्विड अपने ठोस में बदलता है। ठीक है, तो उदाहरण हम मानते हैं वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 degree centigrade है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 degree centigrade है। एट 0 degree centigrade 1 mole ऑफ आइस एब्जॉर्ब्ड हीट एंड कन्वर्ट इनटू 1 mole ऑफ लिक्विड। एट 0 degree centigrade जो फ्रीजिंग पॉइंट है उस फ्रीजिंग पॉइंट पर 1 mole लिक्विड HF के अमाउंट की एनर्जी रिलीज करता है और 1 mole ऑफ आइस में बदल जाता है। वाटर के लिए ये HF का मान कितना है? 6.02 kilojoule। तो सॉलिड लिक्विड में बदलने के लिए 0 degree पर 6.02 kilojoule एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और लिक्विड सॉलिड में बदलने के लिए इतनी एनर्जी बाहर निकालता है। माइनस साइन रिप्रेजेंट हो रहा है हीट इज रिलीज। एट इक्विलिब्रियम जो भी एनर्जी में चेंजेस होता है उसे हम किससे लिखते हैं? उसे हम क्लेशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन से लिखते हैं। dP/dT इज इक्वल टू ΔHF/TVS-VL। गलनांक बिंदु पर ताप के स्थिर रहने के कारण ठोस के गलन के समय दी गई ऊष्मा उसके क्रिस्टल जालक को तोड़ने के काम में आती है। क्रिस्टल जालक टूट जाते हैं तो द्रव के कण गतिशील हो जाते हैं और अगर द्रव को शीतलन करते हैं हम हिमांक बिंदु पर तो इतनी ऊष्मा बाहर निकलती है। जब द्रव के ये कण क्रिस्टल जालक में जमने लगते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट बाहर निकलती है और वो इस कूलिंग के इफेक्ट को, इस शीतलन के प्रभाव को नष्ट कर देती है और ताप स्थिर बना रहता है। सेकंड पॉइंट है हमारा हीट ऑफ सब्लिमेशन, उष्मापातन की ऊष्मा। कुछ सब्सटेंस होते हैं जैसे नोसादार, जैसे नेप्थिलीन, जैसे आयोडीन, जैसे कपूर, ये सारे सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब करके बिना लिक्विड फॉर्म में आए सीधे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है सब्लिमेशन। ये पदार्थ कहलाते हैं सब्लाइम और जो हीट एब्जॉर्ब होती है जो सॉलिड को गैस में बदलती है वो कहलाती है हीट ऑफ सब्लिमेशन। इसे हम किससे लिखेंगे? ΔHS से लिखेंगे। ΔHS 1 mole सॉलिड को सीधे वेपर में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम मोलर लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड डायरेक्टली वेपर में बदला। अगर सॉलिड पहले लिक्विड में बदलता है तो HF लगती है, फिर लिक्विड वेपर में बदलता है तो HV लगती है। तो एक्चुअली HS इज़ द सम ऑफ HF प्लस HV। तो सब्लिमेशन की जो हीट है, जो उष्मापातन की ऊर्जा है, वो गलन की ऊष्मा और वाष्पीकरण की ऊष्मा के योग के बराबर होता है। अगेन ये भी उस टेम्परेचर पर क्लेशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन फॉलो करता है। dP/dT इज इक्वल टू ΔHS/TVG-VS। हम यहाँ एक बात ये कहना चाहते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में
अवयवी पदार्थ व्यवस्थित संरचना में होते हैं तो उसके बाद अंतरआणविक बल बहुत अच्छी तरीके से लगते हैं और इसलिए वो पूरी तरीके से बंधे रहते हैं। जब ये बंधे हुए होते हैं सॉलिड की कंडीशन में होते हैं तो ये खाली अपनी पोजीशन पर वाइब्रेशन करते हैं और उसमें ट्रांसलेशनल मोशन या स्थानांतरण गति नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब गैस अवस्था में होते हैं तो गैस अवस्था में बिल्कुल अवयवी कण अव्यवस्थित हो जाते हैं, अंतराण्विक बल भी बहुत कम हो जाता है और उसके बीच अंतराण्विक बल नहीं होने के कारण वो गति करते हैं। जब कोई ठोस पिघलता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 10% तक वृद्धि होती है। तो आयरिंग ने एक सिद्धांत दिया, आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड कहते हैं। इन्होंने एक मॉडल दिया लिक्विड स्ट्रक्चर के लिए। इन्होंने कहा कि लिक्विड में कुछ स्पेस फ्री होती है, कुछ रिक्त स्थान, कुछ मुक्त आयतन पाया जाता है जिसे हम एम्प्टी स्पेस होता है, और हम कहते हैं कि जनरल नॉर्मल कंडीशन पर कितना परसेंट एम्प्टी स्पेस होता है? 3% मुक्त आयतन होता है, 3% फ्री वॉल्यूम होता है। यह हम देख रहे हैं सॉलिड में पार्टिकल एक दूसरे के पास है, व्यवस्थित है, इसमें थोड़ी बहुत जगह जो होती है मुक्त होती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये मॉलिकुलर जो मॉलिक्यूल फिल्ड स्पेस होता है जिसके अंदर कुछ खाली जगह होती है उसकी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ फ्री वैकेंसीज बढ़ती जाती है। जितना फ्री वैकेंसीज बढ़ती जाएगी उतने मॉलिक्यूलर पार्टिकल अपार्ट होते जाएंगे, जितने अपार्ट होते जाएंगे उतनी उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। यानी जब क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर आएगा, जब गैस और लिक्विड आइडेंटिकल हो जाएंगे, जब गैस और लिक्विड की डेंसिटी आइडेंटिकल हो जाएगी वो वाला पॉइंट हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज होती है और सॉलिड की धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो आयरन कंसेप्ट ये कहता है कि इक्विलिब्रियम पर एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर जो रिलेशन इन्होंने दिया वो रिलेशन क्या दिया? पी ए इज इक्वल टू पी ओ माइनस ए टी। वट इज पी ए? पी ए इज़ द मीन डेंसिटी, क्रिटिकल पॉइंट है। तो वेपर और लिक्विड दोनों की डेंसिटी सेम है तो पी ए इज़ द मीन डेंसिटी एंड पी ओ एंड ए आर द कॉन्स्टेंट। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टी इज़ द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर कहलाता है ये। पी ए इज इक्वल टू पी ओ माइनस ए टी क्या कहलाता है? सरल रेखीय व्यास का नियम, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर डायमीटर। क्या कहता है? एट द सेम टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द सेचुरेटेड वेपर इज लीनियर फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर। इसके अनुसार समान ताप पर किसी द्रव और उसके संतृप्त वाष्प के घनत्वों के माध्यमान ताप के रैखिक फलन होते हैं। तो इसमें कुछ पार्ट सॉलिड जैसा होता है, कुछ पार्ट लिक्विड जैसा होता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंट्रोपी क्या कहते हैं? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे फ्री वैकेंसीज बढ़ती है और एंट्रोपी भी बढ़ती है। तो सी वी जो ऊष्माधारिता हम बोलते हैं उसका क्या रिलेशन है? वी एस अपॉन वी एल इंटू थ्री आर प्लस वी एल माइनस वी एस अपॉन वी एल थ्री बाई टू आर। इससे जो परिकलित मान होते हैं वो इस सिद्धांत से बहुत मेल खाते हैं जो इस सिद्धांत के सही होने की पुष्टि करता है। धन्यवाद।